नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। विभाग बात में आज हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी दिनेश कौशल जी, भोपाल में एडिशनल एसपी के पद पर आप कार्यरत हैं। और इस समय तमाम देश दुनिया के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, और ऐसे में दो लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक पुलिस और दूसरे डॉक्टर, हमारा पैरा मेडिकल स्टाफ। और तमाम लोग जो है वो इस बात से सहमत होंगे कि पुलिस की शक्ति और डॉक्टरों की, चिकित्सकों की, चिकित्सा स्टाफ की जो मेहनत है वो कोरोना कंट्रोल कर रही है। और लोग भी इसमें कई जगह बहुत ही योगदान दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो कभी अपनी से बात नहीं। दिनेश जी, दोनों तरह के अनुभव हो रहे होंगे इसमें आपको। हाँ बिल्कुल, नमस्कार। सर्वप्रथम तो आपको और सभी हमारे देखने वाले साथियों को, निश्चित रूप से पुलिस का बड़ा दोहरा काम है। हमें कोरोना काल में एक तो शक्ति भी दिखानी और उनका काम भी चलता रहा ऐसा भी करना है, जिससे उनको अनावश्यक उनके मान को या सम्मान को हानि ना पहुँचे। इस तरह हम लोग सब जगह अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं, और जा जा के लोगों से हाथ पैर जोड़ के और उनको किसी भी तरीके से घर में रहें इस तरह से प्रेशर कर रहे हैं। और हमारे जवान जो निश्चित रूप से जब पुलिस सभी को अंदर रखने के लिए बोल रहे हैं, और हम लोग सड़क पे खड़े होके इतनी तेज धूप में और उनको प्रोत्साहित करके अंदर करने में हम लोग अभी तक सफल भी रहे। कई जन हमारी कई टीम से ऐसी लगी है जो NGO की सहायता से या दूसरी सहायता से उनको खाना से लेकर सब चीज़ उपलब्ध करके दोहरा काम भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखने में आता है कुछ लोग हैं वो मानते नहीं है। अभी एक खूब वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भोपाल DIG हैं एसआर बली साहब, ये चिल्ला रहे हैं कि मैं कितना समझाऊँ, आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों की जान से खेल रहे हैं, इमोशनली प्यार से मार से, लेकिन लोग सुधरना नहीं चाहते कुछ लोग। नहीं बिल्कुल, जैसे हमारे हाथ की पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं हैं, उसी हिसाब से कई लोग भी ऐसे होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास पूरा नियम कानून है, उसके तरह हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा लगभग 5,000 से ज़्यादा 188 की कार्रवाई और कार्रवाई हो चुकी है, और हमारा काम ही है पहले कि सबसे अंदर रखें। ये कौन से एलिमेंट है जो नहीं मानते? वो जो भी है अवैधानिक है हमारे यहाँ, कानून की दृष्टि से हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम लोग थोक के कार्रवाई भी कर रहे हैं उसमें। और पहला हमारा काम है कि हम लोग अनाउंसमेंट करके और उनको प्यार से समझा के और कार्रवाई के, इसी तरह से हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी कर रहे हैं और हम सभी लोग कर रहे हैं। आपके इलाके में सेंसिटिव इलाके कौन से हैं जहाँ ज़्यादा सख्ती करने की जरूरत पड़ती है? हमारे यहाँ मेन चीज़ एक तो छोटे थोड़ा सा निचली बस्ती या गुज्जी बस्ती है, जिसमें ठेले ठेलियाँ लग जाते हैं, या फिर लोग बाग मोहल्ले में निकल आते हैं। हाउसिंग बोर्ड हो गया हमारे यहाँ, फिर उसके बाद करौन वाला इलाका है, इन छोला में भानपुर से आगे भी करौन वाला इलाका है, फिर ये रोड तरफ चले जाते हैं आगे तो वो वाले एरिया हैं, कुछ बैरागढ़ में अपना वर्ल्ड हेल्थ वगैरह भी है, और बैरसिया वाले इलाके में भी जो कुछ इलाके हैं बस स्टैंड और उसके अंदर वाले, इन इलाकों में मूवमेंट होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है कि किन एरिया में हमें ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा देखना है, जिससे इनको हम अंदर करने में सफल रहें। तो अभी हम लोगों ने जो आंकड़े निकाले हैं, कार्रवाई अपनी अलग है, और अब हमारे एरिए में बाकायदा जो कोरोना पॉजिटिविटी की रेट था वो काफ़ी कम है, कहीं अब जो फर्स्ट फेज था उसमें ज़्यादा था, अब की तुलना में बहुत कम है, और इसमें कहीं ना कहीं योगदान पुलिस का भी है जो उनको अंदर करने में सफल रहे। अच्छा, इस बार देने की खास बात ये थी कि मृत्यु जिस तरीके से अचानक होना शुरू हुई तमाम लोगों की, तो उससे कोई इलाका छूटा नहीं था कि नया भोपाल क्या, पुराना भोपाल या इंदौर, ग्वालियर, हम किसी इलाके को कम ज़्यादा करके नहीं आ सकते। कहीं ऐसा सोचा था कि एकदम से इतनी भयावह स्थितियाँ बनेंगी? तो ये तो बहुत दुखद है, हमने तो लाइफ में पहली बार ऐसा माहौल देखा। लोग बाग रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मतलब तड़प कर रहे हैं, मर भी रहे हैं। कभी कभी हमारे पास फ़ोन आए लोगों को कि हमें हाउ आपको करा दो साहब, आप अस्पताल में एडमिशन करा दो, आप तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करा दो, हमारी माँ भर्ती है। मतलब जो काम जहाँ होना चाहिए उसके अलावा भी सब जगह हाथ पर मार रहे थे। निश्चित रूप से बड़ी दुखद स्थिति थी इसमें। अब सब चीज़ें पुलिस के लिए भी वो बहुत एक पीक अवर था, बिल्कुल चीज़ों को कंट्रोल करने, बिल्कुल 100% पुलिस के लिए भी बड़ी स्थिति थी कि अब क्या करें, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने बाकायदा चीज़ संभाली, डॉक्टर्स हैं वो अपना काम कर रहे थे और बाकी सब लोग अलग कर रहे थे, पुलिस अलग काम कर रही थी, जितनी सड़क पर शक्ति दिखानी है वो कर रहे हैं, उसके अलावा लोगों की जो भी मदद हो सकती थी, जितने भी जिसके संपर्क थे सभी लोगों ने मदद की, और उसको हम लोग काफ़ी कुछ करने में सफल हुए। दिनेश कौशल हमारे साथ हैं। दिनेश कौशल की चर्चा इसलिए इन दिनों बहुत ज़्यादा हुई कि इस संक्रमण के, इस महामारी के दौर में
ये कैसे अधिकारी के रूप में उभरे जो अपने मातहत अधिकारियों के यहाँ, मातहत कर्मचारियों के यहाँ, पुलिस परिवार के जो लोग हैं उनके यहाँ अचानक पहुँचते थे, उनका हालचाल जानते थे, जो कोविड से जूझ रहे थे उनका जाके उसका वर्णन करते थे, आपने नया अभियान शुरू किया? बिल्कुल, एक्चुअली इस समय सड़क पर पुलिस है, हमारे कई कर्मचारी अधिकारी लोग भी उससे कोरोना से संक्रमित हुए, कुछ लोग होम आइसोलेशन में रहे, कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हुए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई। उस तारतम में हमारे फोर्स का उत्साहवर्धन बहुत आवश्यक था और उनकी देखरेख भी आवश्यक है। कई लोग ऐसी कॉलोनी में रह रहे हैं, पुलिस कॉलोनी में रह रहे हैं, या फिर उनके परिवार वाले दूर हैं या कहीं हॉस्पिटल में हैं, तो हम लोगों ने बाकायदा उसके लिए व्यवस्था बना, सबका एक लिस्ट आउट करके कौन कहाँ रह रहा है, होम आइसोलेशन में है तो हम लोग घर घर जाके वहाँ उनसे मिले, जिससे उनका कोई समस्या तो नहीं, उनका सीटी हो गया कि नहीं हो गया, या उनकी कोई भोजन सामग्री या अन्य कोई सामग्री, क्योंकि जहाँ रूम कम है होम आइसोलेशन में रह रहे हैं तो कई लोग अकेले रह रहे हैं, तो उनको फिर देख रेख करने के लिए सारी चीज़ें हमारी कर्तव्य है कि हम उनको उपलब्ध कराएं। तो उसमें हम लोग सफल रहे और घर घर जाकर हम लोगों ने उनका हाल जाना, अस्पताल में है तो फ़ोन लगाया और डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं कि भैया जो सीवियर तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई उनको और चीज़ की पैसे टका से लेकर कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो हम लोग उनके घर वालों को खबर करके या हम अपने स्तर पर जो भी मदद कर सकते हैं वो की गई। तो निश्चित रूप से इस पहल से हम लोग को बड़ा लाभ मिला है और डेथ रेट में बिल्कुल कमी आई है और वो बाकायदा पूरी सही है। क्या बड़ी तादाद में पुलिस के लोग? हाँ, पुलिस के लोग संक्रमित हुए थे, पूरे भोपाल ज़िले में 200-250 से लगभग थे और इसकी डेथ भी हुई है। और उसके बाद सब जो हम लोग घर घर जाकर और पूरी चीज़ें उनकी देखी तो सब लोगों ने बड़ा हेल्प भी किया, और जैसे किसी को बुखार हो रहा है वो सोच रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है कुछ नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उनको पूरी तरह मोटिवेट करके कि नहीं आपको टेस्ट कराएं, टेस्ट कराया, उसके बाद CTG कराई, जिससे आगे कोई अचानक ऐसा जैसे डेथ हो रही थी कि भाई वो सर्दी जुकाम मान के 2-3 दिन दवाई खाता था फिर उसको टेस्ट में इन्फेक्शन होता था, फिर बहुत मास्क थे, उसके कारण फिर उन्होंने कई लोगों को बताया। बाकी तो ऊपर वाले की सब मेहरबानी है, पर हम लोग ने बड़ा अच्छा काम करके सब हमारे पूरे टीम है और कई लोगों को ऐसे में सबकी गाइडलाइंस देते डॉक्टर से उपलब्ध करा के उनसे बात करा के हम लोग घर घर जाके और उनको उत्साहवर्धन करके और उनको उस दुखद पहलू से बाहर निकाल। कैसे लगाते हैं हमारे लोगों के लिए भी इस समय देख रेख की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग सड़क पे हैं, हमारा फोर्स जो भी है सब सड़क पे है, वो जा रहा है घर में। कई बार क्या होता है, चाहते भी हम लोग इतना प्रिकॉशंस नहीं कर सकते, पता पड़ा कुछ घटना हुई हम लोग गए, अब उन्होंने कहा घर से घर में आते हो तो नहाना चाहिए या घर में नहीं रहना चाहिए, आप दूसरी जगह आइसोलेशन में रहो। और कई चीज़ें, बच्चे छोटे हैं या बुजुर्ग माँ बाप भी साथ में रह रहे हैं, तो उस तारतम में जितना भी हम लोग इसमें सावधानियाँ बरत सकते हैं, अपने फोर्स को गलना में, अपने फोर्स को बात करके फ़ोन पे या अपने ग्रुप में बता के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, सब चीज़ें किसी न किसी साधन से उनको मोटिवेट करते थे कि आप इस तरह की सावधानियाँ रखें। फिर भी आपको यदि लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम कोई भी लक्षण आ रहा है, हो सकता है वो कोरोना के ना भी हो, तो भी उसका आप वो करा, टेस्ट करा, टेस्ट के बाद फिर उसको यदि लग रहा है तो सिटी भी हम लोगों ने उपलब्ध व्यवस्था कराई, वहाँ भी हो रहा है, और PHCS जो हमारी हेल्थ स्कीम है उसमें भी उनको जोड़ा गया है और इससे चालू प्लस शिक्षा के माध्यम से, तो उनको भी पूरी मदद दी गई है, तो उसका निश्चित से बहुत लाभ मिला है। तभी जाके इतने क्रूशियल समय में भी लगातार ड्यूटी करते हुए और अभी भी लगातार कर रहे हैं। अभी आपके इलाके में क्या स्थिति है? अभी हमारे इलाके में हमारी स्थिति की खत्म हो गई, लगभग ख़त्म हो गई है, कोई ऐसा नहीं है। अभी हमारे इलाके में जितने लोग लगभग 49 लोग पॉजिटिव थे वो धीरे धीरे वापस लौटे हैं और बाद में भी और हुए 30-40 लोग लगभग जितने हैं, तो उनसे भी लगातार संपर्क में, कुछ हॉस्पिटल में हैं, कुछ होम आइसोलेशन में, तो उनसे हमारा बंदा भी और हम लोग भी लगातार बात करते हैं कि भाई ठीक है। उससे क्या होता है कि एक तो उनको लगता है कि हमारी भी कोई देख रेख है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्यूटी कराए जा रहे हैं और कुछ कोई मेरा जरूरत करने का नहीं। ये आरोप जो छोटे पदों के जो पुलिस कर्मचारी हैं वो आरोप हमेशा लगाते हैं कि अक्सर अपना तो कर लेते हैं, हमारे बारे में कोई सोचता नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे बंदे को कुछ भी यदि लग रहा है ना, हॉस्पिटल में भर्ती करने में कोई दिक्कत आई ना, उसको होम आइसोलेशन में दवाइयों के लिए कहीं पैसे के लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसने जहाँ कहाँ उसका एडमिशन हुआ, अस्पताल में भी हुआ, ऑक्सीजन भी मिली, सब चीज़ मिली, रेमडेसिविर मिले, तो वो सर हम लोगों ने सब अपनी टीम बना के बाकायदा बात करके उन लोगों से देख के और हॉस्पिटल से संपर्क बना के उनको पूरी व्यवस्था दी,
वही कारण है कि आज हमारा जवान भी कंधे से कंधे मिला के काम कर रहा है, वो पूरे उत्साह में। क्योंकि जिस इलाके में आप करते हैं काम कर रहे हैं वहाँ राजस्थान से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं उस इलाके से, इंदौर से भी सारा ट्रैफिक आता है। बिल्कुल आता है, पूरा सीमावर्ती जो 7 जिले हैं वो हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट भी जोड़ते हैं वो भी आते हैं। तो उसके लिए जो पूरी सावधानियाँ कि हम लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं, मास्क दे रहे हैं उनको, तो सीमाओं पे भी कोई विशेष सीमाओं पे भी हम लोगों ने टेंट लगा रखे हैं अलग से, केयर है उनकी, वहाँ पे सैनिटाइजर है, बाकायदा थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही है। और फोर्स को भी बिल्कुल बताया गया है कि आप डबल मास्क लगा के और साइड में डिस्टेंस बना के काम करें, और जो स्वेटर लगाए हैं उसमें भी हम लोगों ने डिस्टेंस बना के करें गिर जाती है, जिससे लोग बाग आते हैं तो अपने आप रुकते, तो उसमें उसकी भी सावधानी है। और माइक भी लगा रखे हैं, इवन थाने में सब जगह एक स्क्रीन भी लगाई रखी है और एक माइक सिस्टम भी है, जिससे सामने वाला डायरेक्ट संपर्क में ना पाए, और बाकायदा रस्सी भी लगाई है इससे पब्लिक को जो भी हमारे यहाँ फरियादी आ रहे हैं उनकी सुनवाई में भी दिक्कत ना हो और उनका भी काम हो हमारा भी काम हमारे लोग भी संक्रमित ना। एक लहर कोरोना की गई, दूसरी लहर अब सरकार की तीसरी लहर आएगी, तो उसको देखते हुए भी कुछ तैयारियाँ की हैं पुलिस ने? बिल्कुल, अब तो जैसे दूध के जले भी अपन सात को भी फूके पीते हैं, उस हिसाब से जो फर्स्ट लहर थी उसमें डेथ रेट नहीं था, काफ़ी कम था, सेकेंड लहर ने तो बिल्कुल झकझोर कर दिया है सभी को, तो उसमें हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने आप को, हमारे पूरे फोर्स को, तीसरी लहर में कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आए। उसके लिए सब लोग को, अब तो आम पब्लिक भी समझ रही है कि इतना बड़े बड़े हादसे भी हो गए हैं, तो अपने आप जागरूक कुछ अवेयरनेस आइए, कुछ अवेयरनेस आइए कि इसमें मजाक नहीं हो रहा और हमें ये सावधानियां रखनी है तो रखनी है। दिनेश कुमार कौशल पी एस सी भोपाल कह रहे थे कि हम दूध के गले में आपसे खास कर पीने वाली स्थिति बनी हुई है, आपसे बातचीत के दौर को हम जारी रखेंगे। फिलहाल लेकिन छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दखल न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं विभाग बात, इस समय भोपाल की एसपी दिनेश कुमार कौशल जी हमारे साथ में। दिनेश जी जी, पुलिस में आने के बारे में शुरू से तय किया था पुलिस में आना, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से ही हूँ प्रॉपर, और शुरू में एक्चुअली हम लोगों ने NCC ले रखी। NCC लेने में सामने वाले से एक तो अट्रैक्शन हुआ देश के प्रति और यूनिफॉर्म जॉब के प्रति, तो सोचा तो यही था कि पुलिस में मतलब यूनिफॉर्म जॉब में ही जाएंगे और NCC में सिखाते हैं, तो फिर सोचा था कि अपन आर्मी में या एयरफोर्स में किसी में मिल जाएगा तो निकल लेंगे। तो शुरू से प्रयास ही रहा है हमारा, तो हम लोगों ने CDS भी दे रखा है। फिर उसके बाद आपको आश्चर्य होगा कि मैं 5 पुलिस के जॉब छोड़ चुका हूँ, इसके पहले लगभग 8 जॉब गवर्नमेंट के हो गए थे जिसमें सिलेक्शन हो गया था। तो शुरू से ही एक अट्रैक्शन रहा कि यूनिफॉर्म जॉब करेंगे, उसमें ऊपर वाले ने देखो मेरा फर्स्ट जो भी PSC का जॉब लगा तो DSP में होगा, तो यूनिफॉर्म जॉब मैंने लिया। उसमें आगे मुझे एक अलग तरह का आकर्षण कह लो या सफलताएं भी मिली है, सेटिस्फेक्शन भी है कि आप आते हो, कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जिसमें आप आके इतना काम कर सकते हो हर तरह का, मतलब पब्लिक के लिए कर सकते हो, अपने लिए कर सकते हो, सब तरह के काम पुलिस ही कर सकती है। जो मैंने देखा कि आपको भले ही आपका विभाग ना हो पर आप उसकी मदद सामने वाले ही कर सकते हो या अपना काम भी करा सकते हो, तो वो चीज़ सब पुलिस में है। मुझे तो जैसे मैं जॉब में आया तो हमारे जो भिंड मुरैना और ग्वालियर दतिया वाला एरिया था, दतिया में पोस्टिंग भी हुई, ग्वालियर में फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, तो उस समय डकैती का काफ़ी जोर था, हम लोगों ने 18 इनकाउंटर की, उसी में मुझे तो फर्स्ट पोस्टिंग में ही महामहिम राष्ट्रपति का गारंटी मेडल भी मिल गया था। फिर और भी जगह कई जगह रहे तो बड़े अच्छे नामी डाकू थे, बड़े बड़े दिक्कत गैंग्स बना के काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने कई को धरा था, तो वो अलग तरह का आपको सेटिस्फेक्शन है। फिर उसके बाद तो मैं सागर में भी CSP था, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े कुछ फरार थे, शहर में ही घूम रहे थे, तो उसमें भी हम लोगों ने इनकाउंटर किए शहर में। फिर ATS में भी आया था तो कई आतंकवादी पकड़े, तो उसमें भी पिस्टल दी हम लोग को, उधर राइफल भी रिवार्ड दी साथ में, तो ऐसे। और कभी कमनल होता है तो भी आपकी भूमिका, कुल मिला के समाज में पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चौतरफा भूमिका है, क्योंकि सड़क पर सबसे ज़्यादा पुलिस दिखती है। कितनी शक्तिशाली हो, बिना वर्दी के आप वो काम नहीं कर सकते, जब आप एक ड्रेस आपके पास होती है तो उस काम को आप बहुत आसानी से अंजाम दे सकते हैं, आसानी से अंजाम भी दे सकते हैं, और सामने वाले का आपसे
बहुत ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि आप अलग दिखते हो, हजार लोग की भीड़ है, एक पुलिस वाला खड़ा है, तो किसी को किसी टाइप की प्रॉब्लम होगी तो पुलिस वाले के पास ही जाए। यूनिफॉर्म जॉब में ये फायदा भी है कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गालियाँ भी पुलिस वालों को पड़ती हैं, निश्चित रूप से, क्योंकि सभी की अब आशाएँ पुलिस से हो गई। आप किसी को संतुष्ट कर सकते हो, किसी को नहीं कर पाते हो। आपके पास फरियादी है और एक आरोपी है, तो निश्चित रूप से एक तो आपसे असंतुष्ट होने ही होना कि आप आरोपी की कह रहे हो कि वो तो उठा के उसने ऐसा किया है, उठा के आपने बंद कर दिया, भेज दिया, तो वो कह रहा नहीं किया है। तो कुल मिला के दो धारी तलवार है, और आपको जो काम करना है अपने दिमाग से, आपके जो नियम कानून से बने हैं उसके तहत काम करना है। कुछ लोग निश्चित रूप से आपसे सही नहीं होंगे, पर मुझे लगता है फिर भी दूसरे अदर जॉब की तुलना में पुलिस के जॉब बहुत अच्छे, यूनिफॉर्म जॉब बहुत अच्छे हैं, और हम लोग को तो बड़ा फायदा है, और हम लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पा रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं हमारे परिचित, तो हम उनका मदद भी कर पा रहे हैं, जो कि दूसरे करने में थोड़ा दूसरी जॉब आप उतना नहीं कर पाते, उतना नहीं कर पाते। आपके साथी रामसनी मिश्रा जी, उनसे एक दिन बातचीत चल रही थी, मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है आप सबसे ज़्यादा डायलॉग कौन सा सुनते हैं। तो वो बोले कि ऐसा जानकारी भी नहीं है, सबसे ज़्यादा पुलिस को डायलॉग सुनना पड़ता है, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। सही है, बिल्कुल। आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? अब कई लोग बड़े रहते हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए। कई बार हम लोगों ने जॉब जब आती है तो आपका जब डर वर कुछ रहता नहीं है, आप सच्ची कार्रवाई कर रहे होते हैं, सच्ची कार्रवाई कर रहे होते हैं, और पीछे क्या सामने ही से आके लोग बाग बोलते हैं, अरे तो DSP हैं या फला है, कुछ भी है, हमारे तो बड़े बड़े लोगों से पहचान है, और तुम ये कर दोगे तो हम ये कर देंगे, खड़े खड़े जाएगा कुछ भी, तो मतलब उनका जो भी लहजा रहता है, फिर उनको जब एक बार हो जाता है कार्रवाई की वास्तव में कुछ भी कर लो और कुछ नहीं उखाड़ पाए, तो उन्हें भी समझ में आ जाता है। अब वही मिलते हैं साहब, बड़े पद पे भी हो गए हैं या जो भी हो गए हैं, तो कहते हैं नमस्कार भी हमसे करते हैं, चमत्कार भी हमसे करते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि यदि कोई सही काम कर रहा है तो उसका बाल लोग खाल भी पाते हैं और बढ़िया काम कर। आपने जैसे सागर में काम किया, ग्वालियर में किया, भोपाल में किया, सबसे अच्छी पुलिसिंग कहाँ लगी आपको? वैसे मैंने तो लगभग कई जिले देख लिए हैं, शुरुआत ग्वालियर से उसी सेफ्टी से, फिर दतिया भी रहा, सिडनी जो उधर का एरिया है, छिंदवाड़ा भी, फिर सागर भी देख लिया, रीवा भी देख लिया, देन ग्वालियर जबलपुर और यहाँ पर भी। तो जहाँ क्राइम ज़्यादा है तो वहाँ पर निश्चित रूप से एक पुलिस के प्रति अट्रैक्शन है, तो ऐसे में जो ग्वालियर के वाले एरिए हैं और उसमें निश्चित रूप से ज़्यादा पूछताछ रहती है और पुलिस से ही वो ज़्यादा मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा मुझे तो वैसे लगता है कि जहाँ जहाँ रहा हूँ मैं सभी जगह अच्छा लगा, रीवा में भी बहुत अच्छा था, सागर में भी बहुत अच्छा था, और अभी भी लोग बाग याद करते हैं, और भोपाल में भी सवा तीन साल हो रहे हैं लगभग, तो अभी चल ही रहा हूँ, और बाकी पुलिस का जब अच्छा है, बस ये प्रमोशन वाला मुझे लगता है, कई लोग हमारे साथी भी कहते हैं, उन लोग को भी 22 साल हो रहे हैं, तो जो SPS कैडर का है उसका प्रमोशन और सही होने का हो जाए, बहुत लंबा समय लग रहा है, तो एक DSP कैडर पहले जल्दी हो जाता था, तो एक वो भी रहता है सामने वाले का कि चलो प्रमोशन हो जाएगा समय से, तो वो अभी है, अभी इसमें धीमी गति चल रही है, तो उसमें भी प्रयास करते हैं सब लोग, काम चल रहा है। अच्छा, पुलिस के जो जॉब की आपने कई खूबियाँ बताई कि इस वर्दी के बाद आप कई सारे काम कर सकते हैं, तो पुलिसिंग को लेके भी एक बड़ा कि सोशल पुलिसिंग कैसी होना चाहिए, मॉरल पुलिसिंग किस तरह की होना चाहिए, कई बार वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हैं, कुल मिला के पुलिसिंग होनी कैसे चाहिए? पुलिसिंग हमेशा एक तो पब्लिक के लिए है, हम लोग आम जनता के लिए हैं, हमें सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि आप उसका कितना अच्छा काम कर सकते हो। सामने वाला तो जब भी आ रहा है दुखी ही आ रहा है, ऑलमोस्ट पुलिस के पास आ रहा है, तो उसका हमें फरियाद यदि आप अच्छे से सुन लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो 90% सेटिस्फेक्शन हो जाता है। वो हम अपने नीचे वालों को भी समझाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उनके ही अट्रैक्शन आना है थाने में, सबसे पहले हमारे जैसे आरक्षक हैं, प्रधान आरक्षक हैं, ये सही है, बाकी ऊपर वाले लोग भी फ़ोन करते हैं, जो भी जनप्रतिनिधि भी फ़ोन करते हैं, मुझे तो लगता है कि सबसे सुनना चाहिए, जो सही पक्ष है उसको करना चाहिए। पुलिसिंग में हमेशा बेसिक पुलिसिंग जो शुरू से चली आ रही है वो ही करना चाहिए, आम पब्लिक की सुनवाई करें, जो भी आपकी मदद हो सकती है कर सकते हैं वो करें, और जो जिसका पक्ष नहीं है सही या गलत है तो उसको विवाद बता के आपके भाई ऐसा वो कारण कर दीजिए। जब आप पॉलिटिकल कैपिटल में आ जाते हैं जी, तो वर्किंग में कुछ चेंज आता है? पॉलिटिकल कैपिटल हाँ, यहाँ नेचुरली वर्किंग में बहुत चेंज आता है,
क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ रह रहे हैं और सारे जनप्रतिनिधि भी वरिष्ठ हैं, जहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, आते रहते हैं और काम करते हैं। तो हमें, हमने तो समझ हमेशा ही करा है कि जो भी फ़ोन कर रहा है उसका पक्ष बिल्कुल सुना, भले वो कह रहा है कि नहीं ऐसा, हमारा पक्ष ही सुनो, हमारा पक्ष सही है और हमारी पक्ष की कार्रवाई होना चाहिए, आप सुन सकती लो, जो सही है वो करो, तो उसमें कहीं दिक्कत भी नहीं आती ना, आक्षेप लगता है जैसा है। इसकी जवाबदारी कोर्ट के प्रति, हाँ निचली जवाब सामने वाले का जो भी सही है, अपन तो कानून से ही काम कर सकते हैं, कानून में जो है वो चीज़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो होगा देखिए। निचली सब अच्छी तरह हम लोग के लिए 22 साल की नौकरी में बढ़िया चला, 22 साल आपके हो गए जो नए लोग पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनको वर्दी वाली नौकरी का एक सपना होता है आजकल यंग्स को काफ़ी, हाँ जैसे वो देश प्रेम की भावना और जो बीच में कुछ कट गए थे वापस वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज करना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि सब कोचिंग पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे, तो कहते हैं घर में ही स्टडी करके पास हो जाएंगे, तो सही तरीका क्या है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज के समय में पुलिस कोई भी जॉब हो, जॉब लेने में बड़ा जोर मशक्कत और सब चीज़ करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मुझे जो लगा, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, पर जब भी समय मिले तो लोगों से जुड़े जरूर, लोगों से जुड़ने से मतलब ये है कि या तो कोचिंग कर लें, कोचिंग आपको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना, कम समय में आप अच्छा काम कैसे कर सकते हो वो चीज़ उसमें आ जाता है। फिर आप ग्रुप डिस्कशन और बाकी चीज़ें कर सकते हैं, घर में बैठ के भी कई लोग निकलते हैं, पर आप कम समय में बाहर एक बार आप एक सही दिशा में सही लक्ष्य कम समय में कर सकते हैं। तो मुझे तो यही लगा कि आप एक कम से कम अपना सिलेबस देख के क्या करना चाहते हैं पहले डिसाइड कर लें, सिलेबस देख के आप किस प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा कर सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लें, आपको पूरी चीज़ें पता चल जाएंगी, ऐसे ऐसे कर लो, फिर उसके बाद घर पर पढ़ सकते हो। तो पूरा जोर एक बार करो और मरो लगा दो और कम और अच्छा पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाता है, 100% हो जाता है। दिनेश जी, आप स्टूडियो में आपने बहुत कुछ जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भोपाल के एसपी दिनेश कौशल जी को सुन रहे थे, कोरोना काल में किस तरह से पुलिस अपने काम को अंजाम दे रही है, कैसे आप पुलिस की नौकरी तक पहुंच सकते हैं, इसके भी कुछ टिप्स दिनेश कौशल जी ने दिए। और हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत मदद आपको मिलेगी। और आज विवाद बात में फिलहाल इतना, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।